मैम एक मैजिकल क्रीम बना दो बस ये पिंपल रातों रात गायब हो जाए, ना तो मेरी डेट पोस्टपोन करनी पड़े, ना ये पिंपल निशान छोड़ के जाए और मेरा चेहरा एकदम चमचमाता हुआ एकदम क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रहे। वेल 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 आई हैव द सॉल्यूशन फॉर यू गाइस एंड दैट इज द डा एंटी एक्ने सीरम। नाउ व्हाई दिस, हजारों अवेलेबल है मार्केट में, मैं डा एंटी पिंपल सीरम ही क्यों बोल रही हूँ जो आपको drambika.com पे अवेलेबल है या आपको कैश ऑन डिलीवरी एंड फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। Because इसमें चार इंग्रेडिएंट हैं। चार इंग्रेडिएंट यानी कि इसके अंदर सैलिसिलिक 2% है, इसके अंदर नियासिनामाइड 10% है, एज़ोलिक एसिड 10% है एंड एडाप्लीन 0.1% है। यूजुअली जब आप अपनी पूरी इंटरनेट की रिसर्च कर देते हो, डॉक्टर के पास नहीं जाते हो पिंपल को भगाने के लिए, तो आपको पता लगता है कि आपको सैलिसिलिक 2% सीरम लगाना चाहिए और आप 30 ml अराउंड 700-800 रुपए का 30 ml 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम लगाते हो। बट ये आपको 30 ml 700 रुपए में सैलिसिलिक प्लस एज़ोलिक प्लस रेटिनॉइड प्लस नियासिनामाइड मिल रहा है। दूसरा ऑप्शन आप क्या करते हो, नियासिनामाइड सीरम खरीद लेते हो, नियासिनामाइड सीरम अलग खरीदते हो, सैलिसिलिक एसिड सीरम अलग खरीदते हो, रेटिनॉइड अलग खरीदते हो। ये चारों चीजें, तीन चीजें तो हैं प्लस साथ में एज़ोलिक एसिड भी है, चारों चीजें हैं प्लस नियासिनामाइड 2% या 5% नहीं 10% है। नाउ सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, आपके ऑयल ग्लैंड्स के अंदर घुसकर ऑयल प्रोडक्शन को कम करता है, यानी कि सर्जिकल स्ट्राइक सीधा अंदर घुस के मारता है। तो आप सैलिसिलिक एसिड लगाते हो, ऑयल ग्लैंड के अंदर जाता है ये पोर से और ऑयल प्रोडक्शन को कम कर देता है। नंबर टू, ये जो आपकी डेड स्किन एक्यूमुलेटेड है जो आपके ऑयल ग्लैंड्स की ओपनिंग को ब्लॉक कर रही है, तभी सारा ऑयल अंदर रह जाता है जिससे पिंपल बनते हैं, या आपकी डेड स्किन को एक्सफोलिएट करती है, रिमूव करती है। सो दिस इज द जॉब ऑफ सैलिसिलिक 2%। नियासिनामाइड 10% क्या करता है, जो रेडिशनेस रह जाती है ये उसको गुड बाय करता है। एज़ोलिक क्या करता है, जो ब्लैकिशनेस रह जाती है पिगमेंटेशन पिंपल्स के बाद ये उसको गायब करता है एंड एडाप्लीन द सुपर पावर मॉलिक्यूल, और रेटिनॉइड बोल लो चाहे उसका एक वर्जन एडाप्लीन बोल लो, ये जो है ये आपके अंदर ये तीनों चीजों पे काम करता है। ये आपके बैक्टीरिया को भी मारता है, ये आपकी डेड स्किन को भी एक्सफोलिएट करता है और ये ऑयल प्रोडक्शन को भी कम करता है। Now this is the thing, another advantage, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। जब आप रेटिनॉइड्स लगाते हो तो ज्यादा लगा लेते हो या फिर कम लगाने पे बहुत बर्निंग और इरिटेशन होती है। दिस इज सीरम बेस्ड, सो दैट्स वाई आपको दो ड्रॉप्स लगाने हैं, फैला लीजिए। ये इसके अंदर वो वाला इशू नहीं है कि आपने वो रेटिनॉइड ज्यादा लगा लिया तो बर्निंग हो जाएगी, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। नाइट में लगाना है, डे टाइम में नहीं लगाना है। जो लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो लोग नहीं लगा सकते एंटी पिंपल, बिकॉज ना तो सैलिसिलिक अलाउड है ना रेटिनॉइड अलाउड है। 30 ml का यानी कि आपका आराम से चलेगा, आपका 1 to 2 months के लिए ये आप खरीद सकते हैं drambika.com। कैश दे दीजिएगा अगर कार्ड पेमेंट नहीं कर सकते हैं, डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं है। तो एंटी एक्ने सीरम, डा एंटी एक्ने सीरम स्पेशलिटी यही है हमारे प्रोडक्ट्स की, राइट इंग्रेडिएंट्स इन द राइट परसेंटेज इन द राइट फॉर्मुलेशन, सो दैट आपको वैल्यू फॉर मनी मिले एंड रिजल्ट मिले। सो अगर आपके माइल्ड टू मॉडरेट पिंपल्स हैं डा एंटी एक्ने सीरम, अगर बहुत ही सिवियर पिंपल्स हैं then I would very honestly tell you, please dermatologist ke paas jao, apne paise kharch karo, wo aapko oral antibiotic and oral retinoid denge, unko kha lo, nahi khaoge to pimple ke gadde reh jayenge, aur gadde reh gaye to uske liye zyada paisa kharch karna padega, to isse to better hai ki pehle hi dermatologist ke paas chale jao aur consultation charges de do, usse aapko better hai। mild to moderate acne hai, yes serum ko order kar dijiye, isko laga lijiye, koi problem nahi hai, पिंपल्स भी चले जाएंगे और आपका फेस भी क्लियर हो जाएगा। सो आई एम डॉक्टर अनविका, मैं दिल्ली में 15 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अगर आपको स्किन एंड हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। स्किन एंड हेयर के प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं drambika.com पे जाइए, और अगर चाहते हैं मैं किसी भी टॉपिक पे बकबक करूं, एक अच्छी सी रील बनाऊं, वीडियो बनाऊं, नीचे दिए कमेंट्स में टॉपिक को लिख दीजिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल, विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो।